खिलाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। सचिन पायलट को कांग्रेस में मिल सकता है बड़ा दायित्व। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से सचिन पायलट की मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। दरअसल राजस्थान में यदा कदा सत्ता परिवर्तन की चर्चा होती रहती है। सचिन पायलट और उनका खेमा अभी भी संतुष्ट नहीं है। राजस्थान में पार्टी से विद्रोह के 2 साल बाद एक बार फिर सचिन पायलट को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। यह सुगबुगाहट सचिन पायलट और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद तेज हुई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी के साथ बैठक में सचिन पायलट के राजस्थान कांग्रेस में आगामी भूमिका को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है सचिन पायलट को सत्ता या संगठन में किसी एक जगह बड़ा रोल दिए जाने पर विचार विमर्श हो रहा है। सोनिया गांधी से मुलाकात में पायलट की भावी भूमिका पर चर्चा होने की भी खबरें सामने आई है। पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब एक दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने भी कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की थी। गहलोत और पायलट राजस्थान में कांग्रेस के 2 विपरीत ध्रुव के तौर पर देखे जाते हैं। और अब इस मुलाकात के बाद सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में सचिन पायलट को राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दूसरी बड़ी खबर, देश भर में एक बार फिर बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपात बैठक बुलाई है। गहलोत ने स्वास्थ्य विभाग की आपात बैठक बुलाकर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। यानी कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच प्रदेश की गहलोत सरकार भी सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने स्वास्थ्य विभाग की आपात बैठक बुलाकर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम गहलोत ने कहा है कि देश के कुछ राज्यों में कोविड के केस फिर से बढ़ने लगे हैं, ऐसे में प्रदेश में भी एहतियात बरती जाए। एक और बड़ी खबर, पश्चिमी राजस्थान की प्यास बुझाने वाली इंदिरा गांधी नहर में एक बार फिर पूर्ण नहर बंदी का वक्त आ गया है। 25 अप्रैल से नहर में पानी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा जो 19 मई तक बंद रहेगा। ऐसे में इन 26 दिनों में जो पहले ही एकत्रित पानी है उसी से शहरों और गांवों में सप्लाई की जाएगी। इसके बाद पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों में पानी के हालात बिगड़ सकते हैं। आने वाले दिनों में राजस्थान के 10 जिलों को पीने के पानी के लिए संरक्षित स्रोतों से ही काम चलाना पड़ेगा। जिन जिलों में समय पर पूरा पानी एकत्रित नहीं किया है वहाँ परेशानी खड़ी हो सकती है। बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर सहित कई जिलों में इस दौरान जल संकट खड़ा होना तय माना जा रहा है। दरअसल पहले 23 अप्रैल को नहरबंदी होनी थी लेकिन अब 24 अप्रैल को नहरबंदी होगी। ऐसे में 25 अप्रैल से पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में पानी की किल्लत शुरू हो सकती है। प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि राज्य में सक्रिय एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिला था, जिससे तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखी गई थी। उन्होंने बताया है कि इस विक्षोभ का असर आज खत्म हो जाएगा। आज प्रदेश में कुछ ही जगहों पर आंधी की संभावना है। मौसम अब धीरे धीरे साफ होने लगेगा और तापमान में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिलेगा। और बड़ी खबर, बीते कई दिनों से राजस्थान वृद्धावस्था वृद्धजन किसान पेंशन योजना के बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि जो 750 रुपए की पेंशन आती है वह अभी भी कई लोगों के खातों में नहीं आई है। तो आपको बता दूं, मार्च और अप्रैल के महीने में बैंकों में ऑडिट वगैरह होता है, बैंकों में कई बड़े बदलाव भी होते हैं। ऐसे में बैंक को आपके खाते में पैसे डालने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। जिनके खातों में पेंशन नहीं आई है तो जल्द ही आपके खातों में वृद्धावस्था पेंशन या और भी प्रकार की पेंशन है तो आपके खाते में आ जाएगी। वैसे इसके बारे में मैं और भी ज्यादा खोजबीन करके आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल यही थी आज की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।